हेलो, राम राम सभी को। आज हम निकले हैं धार्मिक यात्रा पर और बच्चों को लग रहा है कि ये कौन सा टूर है। माँ कुंडवासिनी का धाम, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सोन नदी के किनारे स्थित है। रास्ते इतने सुंदर हैं कि आप अपने आप को खो देंगे इन रास्तों में। इस धाम की भी अपनी कहानी है। कहा जाता है कि आज से 1500 साल पहले या उससे भी पहले अघोरी के राजा थे बलेंदु शाह। वो माँ जगदम्बा के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात माँ उनके सपने में आई और बोली कि मैं इस जगह पर हूँ, मुझे वहाँ से निकालो और हाथी पर रख कर ले चलो, जहाँ हाथी बैठ जाएगा वहीं पर मुझे स्थापित कर देना। कहते हैं हाथी इसी गाँव में आके बैठा था, इसलिए माता जी को यहीं पर स्थापित किया गया। बारिश के बाद जब ये पहाड़ियाँ हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं, तब शायद इनसे सुंदर कुछ भी नहीं दिखता। कुंडवासिनी धाम 108 शक्तिपीठों में से एक है, ऐसा कहा जाता है। आज चैत्र नवरात्र की नवमी का मेला है। माता के दर्शन के बाद हमने जो देखा नज़ारा, शायद उसे ही आस्था की पराकाष्ठा, मीन्स हाइट एंड डेप्थ ऑफ डिवोशन कहते हैं। कई भक्तों ने लोहे की रॉड को अपनी जीप के आर पार डाल रखा था। कोई कोई रॉड तो इतनी बड़ी थी कि दोनों तरफ से दो दो लोग लगे हुए थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। इन सब क्रियाकलापों में छोटे बच्चे भी शामिल थे, शायद वही अपनी इस परंपरा को आगे ले जाएंगे। चेहरे पे खुशी थी, आत्मा प्रफुल्लित है और माँ के चरणों में इनकी ये भेंट है। मेरे जैसे लोग तो पहले टिटनेस और टिटबैक का सोचते हैं, पर यहाँ इन सब की कोई जगह नहीं है। सब माँ में गहरी आस्था है और माँ में विश्वास है। पर आस्था का ये रूप देखिए, इन सब से परे अपनी देवी को खुश करने के लिए, अपनी देवी माँ को खुश करने के लिए नाचते गाते। इनको उस दर्द से कोई मतलब नहीं जो शायद इनको हो रहा हो या ना भी हो रहा हो, मुझे नहीं पता। लेकिन नाचते गाते देवी को खुश करते हुए कैसे माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने आ रहे हैं ये लोग। तांत्रिक क्रियाकलापों के लिए भी ये जगह बहुत उपयुक्त है। कहते हैं अगर आपको कोई बाहरी हवा लगी हो तो माता के चरणों में दर्शन करने से दूर हो जाती है। ताकि आदमकद प्रतिमा दिन में 3 बार अपनी भाव भंगिमाएं बदलकर लोगों को आश्चर्य में डालती है। हजारों साल पुरानी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां जो इस मंदिर के परिसर के ताकों में आपको दिख जाएंगी, अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो आपको खुद ही इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि हमारी भारतीय संस्कृति वास्तुकला में कितनी आगे थी। मेले का नज़ारा तो बहुत ही अद्भुत, ऐसा मेला की पूछो मत। हजारों की संख्या में लोग, वही चाट पकौड़ी जलेबी। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो गुड़ वाली जलेबी। हम लोगों ने अपने क्षेत्र में, मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपने क्षेत्र में कभी गुड़ की जलेबी नहीं खाई थी। वो गुड़ की जलेबी जिसे गुड़हिया जलेबी कहते हैं, उसका जो है स्वाद मैंने यहीं चखा और अच्छा है, नो डाउट बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मेलों में जो रॉनेस है, जो बेसिक देसीपना है, वो शायद आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आज से 30 साल पहले बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, मेरा गांव मेरा देश। मेरा बड़ा ही मन होता था मैं ऐसा कोई गांव देखूं जिसमें पहाड़ हो, नदियां हो, डाकू हो, ऐसा मेला हो। लेकिन यहाँ का मेला देखने के बाद पता चला कि आज से 30 साल पहले भी जो फिल्मों में मेला दिखाया गया था वो तब भी बहुत हाईटेक था, यहाँ उससे भी देसी, उससे भी बेसिक मेला लगता। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। थैंक यू।